हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल। अगर आप आरआरबी का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, या फिर मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले अपडेट से आप वंचित न रह जाएं। और ढेर सारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है फ्रेंड, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप वीडियो अंत तक देखें, अंत तक बने रहें, और अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के अंत में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में 8 क्वेश्चन लिए हैं नंबर सीरीज से, जो कि बेहद अलग अलग तरीके का है सब फ्रेंड, और पूरा 8 टाइप का क्वेश्चन इसी 10 मिनट या 12 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसी में डिस्कस किए जाएंगे। तो बिल्कुल अंत तक बने रहें, और बहुत ही हर एक टाइप का अलग अलग वेरिएशन के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बिल्कुल अंत तक बने रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, और फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस होगा फ्रेंड, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो का स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आपको देना है जवाब 125, 115, 105, 95। तो आपका ऑप्शन रहा 65, 75, 80 या 85। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, फटाफट जवाब दीजिए। और बिल्कुल फ्रेंड, बेसिक्स टू हाई लेवल एकदम फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया जाएगा, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कुछ ना कुछ थ्योरी बताऊंगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 85। देखिए फ्रेंड, ऐसे सीरीज में बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें क्या रहते हैं कि ऐसा कोई सीरीज हो जो कि धीरे धीरे घट रहा हो। जब ये नंबर देखिए, जैसे कितना घटा, यहाँ से 10 घट गया, फिर 10 घट गया, फिर 10 घट गया, मतलब धीरे धीरे घट रहा हो, तो उस समय आप समझ जाइए कि उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें भी 10 घटा, इसमें भी 10 घटा, इसमें भी 10 घटा। तो इसका थ्योरी आप बिल्कुल याद रखिए कि जब कोई नंबर धीरे धीरे घट रहा हो, तो समझिए कि वहाँ पर कोई ना कोई नंबर से माइनस हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे, 6 to 5, 1 to 5, 5 and 5। तो आपको देना है जवाब, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। देखिए फ्रेंड, इसका भी कुछ थ्योरी है। इसका क्या थ्योरी है कि जब कोई सीरीज एकदम तेज़ी से घट रहा हो, जैसे कितना था 6 to 5, से डायरेक्ट 125, से डायरेक्ट 25 पे आ गया, फिर डायरेक्ट 5 पे आ गया, तो जब कोई नंबर बहुत तेज़ी से घट रहा हो, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि वहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा फ्रेंड, या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर डिवाइड का केस लिए हैं कि इसमें 5 से डिवाइड किए, इसमें भी 5 से डिवाइड कीजिए, इसमें भी 5 से डिवाइड कीजिए, इसमें भी 5 से डिवाइड कीजिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23, 25, 29, 35। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको देना है जवाब, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 43। देखिए फ्रेंड, इसका क्या थ्योरी है, इसमें जब कोई नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा फ्रेंड। जब कोई नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है, तो अगला में 8 ऐड होगा फ्रेंड। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आपको देना है जवाब 5, 15, 75, 5, 25। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको देना है जवाब, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा फ्रेंड, आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, बिल्कुल अंत तक बने रहें, और हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लें। यही सब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए क्या है इसका थ्योरी है, जब कोई नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो क्या हो रहा है, या तो गुना हो रहा होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड इसको याद रखिए थ्योरी को, कि इस प्रकार से कोई नंबर आपको बहुत तेजी से इंक्रीजिंग जाता हुआ दिखेगा तो उसमें क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या क्यूब हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल याद रखें, और पार्ट वन भी वीडियो इसका आ चुका था फ्रेंड, तो वो भी आप देख लें, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 से 15, यहाँ इसके बाद उसके बाद 5, 25, तो क्या होगा आंसर फ्रेंड, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला 9 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड। तो 525 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4725। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3, 5, 3, 10, 8, 17, 15, 26, 24। तो आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड, आप फटाफट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37 एंड 35। कैसे फ्रेंड, ये कौन सा सीरीज है, ये तो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ऐसा दिख नहीं रहा है, ये कौन सा सीरीज है, तो ये मिक्स सीरीज है फ्रेंड, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिया हुआ रहेगा तो वो दूर से पकड़ा जाएगा, इतना लंबा नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो बहुत छोटा रहेगा 2-4 डिजिट तक, लेकिन ये बहुत लंबा लिखा हुआ तो इसी से पकड़ा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, इसका पहला का तीसरे से, तीसरा का पाँचवें से, पाँचवें का सातवें से, सातवें से नेक्स्ट नंबर निकल जाएगा, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, उसी प्रकार से ए वाला नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ए 5 लिखा हुआ था, 5 कैसे हो सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 26 लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका 37 हो जाएगा यहाँ पे। और ये नीचे वाला में क्या होगा फ्रेंड, तो ये नीचे वाला में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, इसी प्रकार से इसका 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो नेक्स्ट नंबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1, 3, 2, 5, 7, 2, 3, 4, 1, 3, 6, 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको देना है जवाब, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। जहाँ पे ऊपर जो 5 नंबर क्वेश्चन तक बताया वो सब थ्योरी फेल कर जाए फ्रेंड, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, कोई थ्योरी काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो कोई स्पेशल सीरीज चल रहा है फ्रेंड। तो वो स्पेशल सीरीज कैसे पकड़िएगा, तो आप चेक कीजिएगा कि फर्स्ट का लास्ट वाला, मतलब 3 डिजिट का लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का लास्ट डिजिट का ऐड करके देखिए, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, उसको डिवाइड करके देखिए, कुछ करके देखिए, बीच वाला नंबर मिल जाएगा, तो उस टाइप पे अगर आता रहेगा तो आपको बिल्कुल वो स्पेशल सीरीज कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2, फर्स्ट और लास्ट का ऐड हो रहा है, बीच में लिखा जा रहा है, यहाँ भी 5 और 2 ऐड हो रहा है, 7 हो जा रहा है, 3 और 1 ऐड हो रहा है तो 4 हो जा रहा है, और 3 और 3 ऐड हो जा रहा है तो 6 हो जा रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा खोजिए कि कौन सा है जो ऐड होकर के बीच में लिखा जा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 3 और 4, तो बीच में 7 आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आपको देना है जवाब। 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 1, 5, 5, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपको देना है जवाब, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24284। कैसे फ्रेंड, अभी मैं बताया कि कोई जहाँ पे सब थ्योरी फेल कर जाए वहाँ पे स्पेशल सीरीज को चेक कीजिए, फर्स्ट का लास्ट डिजिट के सम करके मल्टीप्लाई करके देखिए फ्रेंड, और उसी प्रकार से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसका जवाब कैसे होगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 × 5 करेंगे तो, इसी प्रकार से ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और किसी में ऐसा सीरीज नहीं, ऑप्शन नहीं दिख रहा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अमूल उल्टा टॉल्क LKJA, तो इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट वर्ड वो आपको बताना है, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। अब ये कौन सा सीरीज है फ्रेंड, तो ये देख लीजिए, ये भी एक स्पेशल सीरीज टाइप का है, स्पेशल सीरीज टाइप। तो इसमें क्या हो रहा है, उस स्पेशल सीरीज में देखिएगा कि इसका कोई एक लीटर, एक जो एक लेटर कोई है वो आगे पीछे हो रहा होगा, या फिर लास्ट लास्ट का वर्ड और फर्स्ट का वर्ड वो आप देखिएगा इधर उधर हो रहा होगा, तो बस वही पकड़ लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट पकड़िए UL, तो इसका लास्ट डिजिट जो नेक्स्ट है उसका फर्स्ट डिजिट है, मतलब फर्स्ट लेटर है, और इसका लास्ट लेटर दोनों मतलब दो दो लेटर का कॉम्बिनेशन है, इसका दो, इसका लास्ट दो लेटर, उसका फर्स्ट दो लेटर, नेक्स्ट का फिर लास्ट दो लेटर, नेक्स्ट का फर्स्ट दो लेटर, यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, LK है, यहाँ पे LK और JA, तो जो नेक्स्ट शुरू होगा फ्रेंड वो JA से शुरू होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको आंसर नंबर सी में दिख रहा है। ये फ्रेंड 8 टाइप का आपको क्वेश्चन डिस्कस किया गया है इसमें, तो आप चलते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, बेल आइकन दबा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।